वेलकम सिदरा के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की जो रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आई हूँ, वो रेसिपी है चने की दाल गोश्त। चने की दाल गोश्त बनेगा बहुत ही मज़े का देख जैसा जायका। आप हमारी रेसिपी को फॉलो करें, उंगलियों को चाटते रह जाएँ। ये देखें, एक पाव मैंने चने की दाल ली है, आधा किलो मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, बहुत ही जूसी सी हड्डी ली है, बहुत ही टेस्ट निकलता है। और उसके साथ मैंने एक भर के टीस्पून हल्दी ली है, एक टीस्पून भर के हमने पीसी मिर्च ली है, हल्दी नमक लिया है और गरम मसाला लिया है, एक टीस्पून भर के हमने अदरक लहसुन का लिया है, एक अदद प्याज लिए जो हमने कटिंग करके रखी है और ऑयल लिया है। सबसे पहले हम चने की दाल को पानी में भिगोएंगे, उसके बाद हम अपने गोश्त ऐड करें, तो अच्छा सा फ्राई करा। उसमें एक भर के टीस्पून हमने अदरक लहसुन का डाला, तो 5 से 6 मिनट को फ्राई करेंगे। हमें अदरक लहसुन की स्मेल को दूर करना है और गोश्त का कलर चेंज होगा। ये देखें इस तरह से हमने इसको चलाया। चलाने के बाद एक भर के टीस्पून हल्दी का डाला, एक टीस्पून भर के हमने मिर्च का डाला और एक टीस्पून हमने नमक डाला। अब हमने सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर दिया। ये इस तरह से हम मिक्स कर मसाला कितना अच्छा लग रहा है, इसके कलर भी देखें, उसमें मसाला कितना मसाला बना। ये देखें इसका मसाला देखें। अब हम इसमें एक गिलास पानी ऐड करेंगे इस तरह से और 30 मिनट के लिए कवर अप कर देंगे। 1 घंटा हमने दाल भिगो चुके हैं, अब हम इसको उबाल लें। जो दाल को भिगोई थी अब हमने इसको उबालने रख दिया। जब ये उबल जाएगी तो हम उबालने रखी थी, बहुत अच्छी सी हमारी दाल गल चुकी है। देखें खुद ही खुद घुटी सी हुई है, अभी हम इस पर चमचा मार के दिखाएंगे किस कदर घुटी हुई है। ये देखें इस तरह से हम हल्के हल्के हाथ से दाल को अपना घोटेंगे और दूसरी साइड पर दिखाते हैं कि हमारा गोश्त जो था वो भून चुका है। ये देखें अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। हमारा गोश्त अच्छा सा भून चुका है, रोगन ऊपर आ चुका है, बहुत ही मज़े की। अब ये देखें हम इसमें दाल ऐड करेंगे। इस तरह से हमने दाल ऐड करी और चमचा चलाते गए और अच्छा सा मिक्स करते गए। ये देखें बहुत मज़ेदार, बहुत सी मिक्स कर लिया, कलर भी देखें दाल बहुत ही मज़े का। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे जितनी हमें पतली रखनी है। ये देखें इस तरह से हमने अब इसमें हमने धन पुदीना ऐड करा और हरी मिर्चें ऐड करें, इसमें हमने कट लगा लिया था। अब हम इसको 2 से 4 मिनट तक पकाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, उसके बाद हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, इसको अच्छा सा चलाएंगे, इस तरह से चलाते रहेंगे। और हम अब अपना भगार डालेंगे, बहुत ही मज़े का यमी सा दाल गोश्त रेडी हो चुका। ये देखें हमारा दाल गोश्त बहुत ही यमी सा रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी सा बना है। अब आप हमारी रेसिपी को फॉलो करेंगी और कमेंट में बताएंगी आपको कैसा लगा। ये देखें इसके बाद हमने गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करो ऊपर से और पुदीना ऐड करा, बहुत ही मज़ेदार सा दाल गोश्त रेडी हो गया। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।